नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल ई कुंजी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं एक ब्यूटिशियन और आयुर्वेद स्कॉलर हूँ। काले और बदरंग होठों को गुलाबी और सुंदर बनाने के लिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक इजी घरेलू नुस्खा। लिप्स को नेचुरल पिंक बनाने के लिए सबसे पहले लिप्स से पिगमेंटेशन को रिमूव करना चाहिए, जिसके लिए हम बनाएंगे लिप स्क्रब। इस स्क्रब को बनाने के लिए एक चम्मच चीनी को खरल में डालकर थोड़ा दरदरा पीस लीजिए। फिर एक कटोरी में एक चम्मच नींबू का रस, एक चम्मच दरदरी की हुई चीनी और आधा चम्मच शहद डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इस स्क्रब को अपने होठों पर लगाकर 5 मिनट तक सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए और फिर अपने होठों को टॉवल या फिर टिश्यू पेपर से पोंछ लीजिए। इस लिप स्क्रब का यूज डेली करना चाहिए और इसे फ्रेश बनाकर ही काम में लेना चाहिए। इस लिप स्क्रब से होठों की डेड स्किन रिमूव हो जाती है। लिप स्क्रब के बाद होठों को पिंक बनाए रखने के लिए दूसरा स्टेप है लिप बाम यूज करना। इस लिप बाम को बनाने के लिए एक चुकंदर को कद्दूकस करके चलनी पर रखकर या फिर मिक्सी में इसका रस निकाल लीजिए। चुकंदर के इस रस में आधा चम्मच ग्लिसरीन डालकर मिला लीजिए। तैयार लिप बाम को एक साफ कंटेनर में डालकर रख लीजिए। इस नेचुरल लिप बाम को रात को सोते समय अपने होठों पर हल्की हल्की मालिश करते हुए लगा लीजिए। ऐसा करने से होठ नेचुरल पिंक और सुंदर दिखने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चुकंदर में बहुत सारे विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ ये एक नेचुरल लिप स्टेनर भी है जो होठों को नेचुरल गुलाबी बनाता है। और ग्लिसरीन हमारे होठों की डेड स्किन को रिमूव करके होठों को नरिश करती है और होठों को सॉफ्ट भी बनाए रखती है। तो दोस्तों, इस तरह आप इस रेमेडी को यूज करके अपने होठों को हमेशा पिंक, सॉफ्ट और सुंदर बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे हमारा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।